हेलो गाइज, मेरा नाम दिनेश शर्मा है और आप देख रहे हैं टेक क्लिफ। गाइज, आज के इस वीडियो में फिर से हम बात करने वाली एम एक्स प्लेयर पे। जैसा कि आपको पता है कि आप जब भी एम एक्स प्लेयर से किसी भी मूवी या वेब सीरीज को डाउनलोड करके उसे अपने मेमोरी कार्ड में या अपने दोस्तों को शेयर करने के लिए जो एक्सटेंशन चेंज करते हो, तो कभी कभी तो आपका वीडियो चल जाता है, लेकिन कभी आपका वीडियो नहीं चल पाता। जब आप उस वीडियो को ऑन करते हो तो आपको एक एम एक्स प्लेयर का प्लेबैक एरर नाम की प्रॉब्लम है, उसको देखना पड़ता है। तो उसी का सोल्यूशन लेकर आज इस वीडियो में हम आ चुके हैं और उसी का सोल्यूशन के लिए एक वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए, ताकि हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम उस वीडियो से भी सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम उस वीडियो से सॉल्व नहीं हो पाती है तो इस वीडियो में मैं आपको दो तीन तरीके बताऊंगा कि किस प्रकार से आप उस वीडियो को गैलरी में सेव कर सकते हो, किस प्रकार से आप उस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कर सकते हो, और किस प्रकार आप उस वीडियो को एम एक्स प्लेयर का जो एप्लीकेशन है उसके अलावा आप किसी भी वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन में उसे ओपन कर सकते हो। तो उन्हीं सब बातों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले आपको एक प्ले इट नाम की वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन है, उसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उस एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपके फोन में वो एप्लीकेशन होगी और एप्लीकेशन का नाम है काइनमास्टर। अगर आप एक यूट्यूबर नहीं हो तो उस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देना है। ये दोनों एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, आपको कोई चार्ज नहीं देना। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके पास जो एम एक्स प्लेयर का न्यू वर्जन है उसको आपको अनइंस्टॉल कर देना है और आपको एम एक्स प्लेयर का ओल्ड वर्जन डाउनलोड करना है। करीबन आपको 2019 का ओल्ड वर्जन आपको डाउनलोड करना है, वो आपको गूगल से मिल जाएगा। आप गूगल पे उसे फाइंड कर लीजिए एम एक्स प्लेयर ओल्ड वर्जन 2019, तो आपको वहां से वो मिल जाएगा। अगर वहां से भी आपको नहीं मिल पाता है आप यूट्यूब से देख सकते हो, आपको वहां से कोई ना कोई तरीका तो मिल ही जाएगा एम एक्स प्लेयर का ओल्ड वर्जन डाउनलोड करने के लिए। तो इस प्रकार से आप एम एक्स प्लेयर का ओल्ड वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। और दो मैंने एप्लीकेशन आपको बता ही दी है, एक तो यह तरीका हो गया एम एक्स प्लेयर से किसी भी मूवी या वेब सीरीज को डाउनलोड करके अपने फ्रेंड में शेयर करने का, और अपने इंटरनल स्टोरेज में उसे सेव करने का, मतलब कि आप उसे मेमोरी कार्ड में भी सेव कर सकते हो। और दूसरा तरीका यह है, इस तरीके में आपको किसी भी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसमें आपको यह करना है कि आपने जो एम एक्स प्लेयर पे वीडियो डाउनलोड कर रखा है उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए और एम एक्स प्लेयर का डाटा क्लियर कर दीजिए। उसके बाद आपको फिर से उसी वीडियो को डाउनलोड करना है और उसी प्रकार से आपको उसका एक्सटेंशन चेंज करना है और फिर से आप उस वीडियो को प्ले कीजिए। हो सकता है आपका वीडियो प्ले हो जाएगा, क्योंकि यह जो एम एक्स प्लेयर वाली प्रॉब्लम है ये अलग अलग मोबाइलों के लिए अलग अलग प्रॉब्लम है, मतलब कि प्रत्येक मोबाइल के लिए आपको अलग प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर आपके पास रेडमी का जो पुराने मोबाइल्स है उस पर आपको एम एक्स प्लेयर पे जो प्लेबैक एरर आता है वो कुछ मोबाइलों में तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ मोबाइलों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेरे पास पहले रेडमी का 4A मोबाइल था जिसमें मुझे प्लेबैक एरर देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब कुछ बंदे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मेरे पास ये मोबाइल है बिल्कुल मेरे वाला, लेकिन उन सभी को यह प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो यह प्रॉब्लम अलग अलग मोबाइल्स के लिए अलग अलग प्रॉब्लम है, तो इसमें कुछ की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है लेकिन कुछ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। और अब मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने आपको पहले ट्रिक बताई थी कि आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है काइनमास्टर प्ले इट और एम एक्स प्लेयर का ओल्ड वर्जन, वो काम कैसे करेंगे वो आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं हम हमारे मोबाइल स्क्रीन पे और आपको बताते हैं। तो गाइज, आप जैसे कि मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने प्ले इट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है और मेरे पास काइनमास्टर पहले से ही है क्योंकि इसी पे मैं अपनी वीडियो एडिट करता हूँ। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैंने एम एक्स प्लेयर से एक वीडियो पहले ही डाउनलोड कर रखा है, तो उसी वीडियो को मैं आपको आज किसी दूसरे एप्लीकेशन में प्ले करके बताऊँगा। तो फाइल मैनेजर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपने इंटरनल स्टोरेज में जाके एंड्रॉयड वाले फोल्डर पे जाना है, उसके बाद आपको डाटा वाले फोल्डर पे जाना है, उसके बाद आपको एम एक्स प्लेयर का जो फोल्डर है एम टेक लिखा होगा कुछ उस पे जाना है। उस पे जाने के बाद आपको फाइल्स पे जाना है, नो मीडिया पे जाना है और ऑनलाइन डाउनलोड पे जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इस वीडियो को यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है और इसी वीडियो को मैं आपको प्ले करके बताऊँगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे मूव कर देना है अपनी जो मेमोरी कार्ड है उसमें। मेमोरी कार्ड में आप किसी भी फोल्डर में इसको डाल सकते हो। एक बार के लिए मैं इसे जो हमारा फोल्डर है वीडियो का उसमें यहाँ पे डाल देता हूँ, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ।
तो आप देख सकते हो कि मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस पे लॉन्ग प्रेस करना है या इसको सिलेक्ट करना है, और इसके बाद आपको क्या करना है, मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसका नेम है वो चेंज करना है। इसका नेम आप कुछ भी देख सकते हो, जिसकी एक बार के लिए मैं इसे वीडियो नेम दे देता हूँ। और उसके बाद मैं आपको क्या करना है कि यहाँ पे डॉट लगाना है, और डॉट के बाद आपको यहाँ पे MKV टाइप करना है। उसके बाद आप सिंपली इसको ओके कर देना है, और उसके बाद आपको फिर से इस पर ओके कर देना है। और अब आपका एक्सटेंशन चेंज हो चुका है, अब आपकी एक वीडियो फाइल बन चुकी है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सिंपली बैक चले जाना है, और बैक जाने के बाद आपको जो प्ले इट नाम की एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेना है। उस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने MX प्लेयर से इसी वीडियो को डाउनलोड किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पहले ये स्क्रीन रिकॉर्डर, पहले मैंने अपना वीडियो बनाया था जो आपने पहले देखा था, और उसके बाद मैंने इस वीडियो को डाउनलोड करके इसका एक्सटेंशन चेंज किया, तो इस प्रकार यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद आप यहाँ से इस वीडियो को ओपन भी कर सकते हो। आपको जो MX प्लेयर पे जो प्लेबैक एरर वाली प्रॉब्लम आती थी, वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आएगी। इसके बाद अगर आप यह सोच रहे हो कि इसे मेमोरी कार्ड में लाने की क्या ज़रूरत है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आपको जो वीडियो शो हो रही है, ये सारी की सारी वीडियो मेमोरी कार्ड में ही है, और ये हमारी इंटरनल स्टोरेज के जो वीडियोज़ होती है, वो वीडियोज़ आपको यहाँ पे शो नहीं होंगे। इसलिए मैंने इस वीडियो को पहले आपको मेमोरी कार्ड में टेस्ट करवाया। उसके बाद आपको इसका एक्सटेंशन चेंज करके उसको वीडियो फाइल में बनाना है। बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि वीडियो यहाँ पे शो हो रहा है। इस प्रकार से आप इसे यहाँ से प्ले कर सकते हो। और अगर आप इसे अपनी गैलरी में, मतलब कि आप अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हो, तो किस प्रकार करोगे? उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर इसको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सेंड पे क्लिक करना है। और सेंड पे क्लिक करने के बाद आप जिसे भी इसे सेंड करना चाहते हो, अपने फ्रेंड को उसे सेंड कर दीजिए। उससे लेकिन उससे भी आपको एक ही बात कहनी है कि उसके पास प्ले नाम की एप्लीकेशन होनी चाहिए, उसी में यह वीडियो चलने वाला है। इस प्रकार से आप इसे किसी भी शेयर भी कर सकते हो, और अपनी इंटरनल स्टोरेज में शेयर भी कर सकते हो। तो अब तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और उसके बाद एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आप इसे शेयर करना चाहते हो, और अपने और आपका फ्रेंड प्ले इट नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड भी नहीं करना चाहता, तो वह इसे किस प्रकार से प्ले कर सकता है? उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को ओपन करना है। और वीडियो को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको थ्री डॉट दिखाई दे रहे होंगे, इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको शेयर पे क्लिक करना है। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको काइन मास्टर नेम की एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। और आपको शेयर पे क्लिक करने के बाद काइन मास्टर वाली एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। और आप काइन मास्टर वाली एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपका ये वीडियो शो होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। और एक्सपोर्ट करने का तरीका आपको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सिंपली आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। लेकिन एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये आपकी डिस्प्ले है, ये स्लिप नहीं होनी चाहिए, मतलब कि बंद नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी डिस्प्ले बंद हो गई तो आपकी एक्सपोर्टिंग वहीं पे रुक जाएगी, और आपको फिर से आपको इसे एक्सपोर्ट करना होगा। अगर जब तक आपकी फ़ाइल एक्सपोर्ट होती है तो आप उसे तो आपकी डिस्प्ले बंद नहीं होनी चाहिए, आपकी डिस्प्ले ऑन रहनी चाहिए। उसके बाद सिंपली आप इसे इंटरनल स्टोरेज में काइन मास्टर वाला फोल्डर होता है, उसे वहाँ से आप किसी भी अपने फ्रेंड को या अपने दोस्तों को इसे शेयर कर सकते हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें।